हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से 1664 ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसियों की नोटिफिकेशन आई है और इस नोटिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट डिटेल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहां इन सभी 1664 ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसियों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अगस्त 2021 से शुरू हो जाएंगी और आप 1 सितंबर 2021 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ दोस्तों, जितनी भी ये 1664 वैकेंसियां हैं, अगर इनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू लिया जाए तो इन पोस्ट पे जो कैंडिडेट का पे स्केल रहेगा वो 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए के बीच में रहेगा और रेलवे के अंडर अप्रेंटिसशिप करने का बेनिफिट भी यहाँ कैंडिडेट्स को दिया जाता है, जिसमें कि जो भी रेगुलर वैकेंसियां आती हैं उनमें से 20% वैकेंसियों पे उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है जिन्होंने यहाँ अप्रेंटिसशिप कर रखी है रेलवे के अंडर में। इस नोटिफिकेशन में दोस्तों जो 1664 वैकेंसियां निकाली हैं वो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकाली गई हैं और इसमें जो है कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे वो अलग अलग वर्कशॉप और अलग अलग डिवीजन में अपॉइंट होंगे, जिसमें मेनली जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में डिवीजन आती है वो है प्रयागराज, झांसी, आगरा और झांसी की वर्कशॉप। और ये जो अपॉइंटमेंट होगी इन ट्रेड अप्रेंटिसेस की वो 2020-21 के ईयर के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस के लिए एज लिमिट की। इन सभी पोस्ट पे 15 से 24 साल तक एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो क्लोजिंग डेट यानी कि 1 सितंबर 2021 रखी गई है। इसी तारीख के अकॉर्डिंग यहाँ कैंडिडेट की जो है वो एज लिमिट चेक की जाएगी। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और उसके अलावा इस नोटिफिकेशन में इन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज डेट ऑफ बर्थ की रेंज बताई हुई है कि कैंडिडेट किस डेट ऑफ बर्थ से किस डेट ऑफ बर्थ तक का यहाँ इन सभी 1664 ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसियों के लिए एलिजिबल रहेगा, तो उसकी डिटेल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपकी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ बताई हुई है वो कैंडिडेट ने 10वीं पास कर रखी हो 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम में और कैंडिडेट के यहाँ पे मिनिमम 50% नंबर आए हो एग्रीगेट 10वीं क्लास में। कैंडिडेट यहाँ वेल्डर, वायरमैन और कारपेंटर ट्रेड से बिलोंग करते हैं। ऐसे कैंडिडेट अगर मिनिमम 8वीं क्लास भी पास हैं, साथ ही उनके पास यहाँ आरटीआई का सर्टिफिकेट है या कोई भी ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो ऐसे कैंडिडेट भी जो हैं वो यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। और यहाँ जो क्रूशियल डेट रखी गई है आपकी क्वालिफिकेशन चेक करने के लिए वो 27/7/2021 रखी गई है। और उसके अलावा यहाँ इन्होंने इस नोटिफिकेशन में सारी ट्रेड्स के बारे में बताया हुआ कि कौन कौन से ट्रेड अप्रेंटिस यहाँ एलिजिबल हैं इन सभी 1664 अप्रेंटिस की वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की। इन सभी पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 100 रुपए रखी गई है। उसमें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वेमेन कैटेगरी के कैंडिडेट को जो है यहाँ फीस से एग्जम्प्ट रखा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। इन सभी पोस्ट पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। यहाँ ना तो कोई टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा ना ही कैंडिडेट का कोई इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ जो आपका सिलेक्शन होना है उसमें मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेरिट लिस्ट में 2 स्टैंडर्ड्स के नंबर यहाँ मेनली कंसिडर किए जाएंगे और उसमें जो कैंडिडेट की मिनिमम क्वालिफिकेशन है यानी 10वीं या 8वीं जो भी मांगी गई है उसके नंबर की वेटेज यहाँ 50% के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी। और उसके बाद कैंडिडेट ने जो भी ट्रेड सर्टिफिकेट कर रखा है उस ट्रेड सर्टिफिकेट में जो भी नंबर यहाँ कैंडिडेट ने स्कोर कर रखे हैं उनको भी यहाँ 50% नंबर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये तरीका डिसाइड किया हुआ है कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन प्लस में जो ट्रेड सर्टिफिकेट में कैंडिडेट ने जितने भी नंबर स्कोर किए हैं उनके बेसिस पे ही ये कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे कैंडिडेट को यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ दोस्तों इन सभी 1664 ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसियों पे जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 1 साल का रहेगा और ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड जो भी स्टाइपेंड्स कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट रूल्स कैंडिडेट को यहाँ पे दिए जाएंगे।
यहाँ दोस्तों इन सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जाएंगे वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे, और यहाँ आपको ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे जिनकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। कैंडिडेट को ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन करके यहाँ इनके फॉर्म के साथ अटैच करके और अपलोड करने हैं। और उसके अलावा दोस्तों इन्होंने इस नोटिफिकेशन में अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ हर डिविजन और हर वर्कशॉप के लिए वैकेंसियां रिजर्व रखी गई है, जिसमे की प्रयागराज, आगरा और झांसी डिविजन और वर्कशॉप शामिल है। तो उन सभी वैकेंसियों की कैटेगरी वाइज डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यहाँ से कैंडिडेट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको पर्टिकुलरली किस डिवीजन के लिए अप्लाई करना है या किस वर्कशॉप के लिए अप्लाई करना है, और कौन सी वर्कशॉप और डिवीजन में किस कैटेगरी के लिए पर्टिकुलरली कितनी सीटें रिजर्व रखी गई है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, और चैनल की सपोर्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें।